ये रहा संगम का नज़ारा भाई, लोग नहाए पड़े हैं और इन लोग को ठंड भी नहीं लग रही है। हेलो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं माघ मेला। आज कोई त्यौहार तो नहीं है, मतलब नहावन का समय तो नहीं है, बस यूं ही घूमने जा रहे हैं। तो आप बने रहिएगा वीडियो में, आपको माघ मेला दिखाएंगे। A few moments later. तो काफ़ी देर जाम में फंसने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं माघ मेला। मैं आपको दिखाता हूं सामने क्या दिख रहा है। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं माघ मेला और अभी तो ये आगे का ही पोर्शन है, अभी तो मैं हम अंदर भी नहीं घुसे हैं। ये रहा अपना शास्त्री ब्रिज, जिसको झूसी का पुल भी बोलते हैं, और उधर बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा आगे चल के, आप वीडियो में बने रहिएगा। तो कोशिश करूँगा कि माघ मेला की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकूँ। ये रहा शास्त्री ब्रिज, जिसपे से गाड़ियाँ जा रही हैं, और ये लोहे वाला ब्रिज ये ट्रेन के लिए है। और उधर देखो भाई, टेंट शुरू हो गए हैं माघ मेला वाले दिखने। और धूप है तो इसलिए बढ़िया है, थोड़ा ठंडक नहीं है, आराम से आप घूम सकते हो। तो फाइनली हम लोग मेन जगह पहुंच गए और यहां से शुरू होता है माघ मेला। और भाई भीड़ तो ठीक ठाक ही दिख रही है, और ये सामने वाला गंगा जी का है तट। तो हम लोग गंगा जी नहीं जाएंगे, हम लोग कोशिश करेंगे संगम जाएंगे। ये आप बोर्ड देख सकते हो, उसमें लिखा भी है संगम जाने का रास्ता। और देखिए सड़क पर पूरा पानी डाल रखा है, क्योंकि यहाँ पर धूल ना उठे, तो इसलिए पानी यहाँ पर हमेशा डलता रहता है। तो ये जो आप सामने देख रहे हो, ये संगम में टॉयलेट की व्यवस्था है, ऐसे हर जगह पर रखा गया है। और यहाँ से नदी भी दिख रही है। तो अभी तो हम लोग को सीधा ही चलना है, तो चलते हैं सीधा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं संगम की गलियों में। यहाँ पर भी बहुत सारी गलियाँ हैं, वैसे रास्ता तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अब जहाँ रास्ता मिल रहा है वहाँ मैं गाड़ी ले रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं तो निकलेंगे ही। हम लोग पहुँच गए संगम के तट पर, और यहाँ पर भाई हवा चल रही है काफ़ी तेज, और चारों तरफ बहुत ही शांति है। अगर आपको मौका मिलता है तो ज़रूर आइए, घूम के जाइए भाई, हर बार ऐसा नहीं होगा। ये रहा संगम का नज़ारा भाई, लोग नहाए पड़े हैं और इन लोग को ठंड भी नहीं लग रही है, सही है। और नदी का पानी बहुत ही साफ दिख रहा है। और ये बचाव दल है, अगर कोई घटना होती है तो ये लोग बचाएंगे, मैं नहीं लो। ये रहा अपना पीपे का पुल, ये हर बार बनाया जाता है, हर बार तोड़ा जाता है, क्योंकि हर जगह प्रवचन चल रहा है, हर जगह गाना चल रहा है, हर जगह पूजा हो रही है, तो संगम में ऐसा होना तो जायज़ है और अच्छा भी है। बस थोड़ा सा व्लॉगिंग करने में दिक्कत आती है, क्योंकि साउंड बहुत ज़्यादा है। तो संगम की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जगह जगह भंडारा चल रहा है, और हम लोग के सामने भी एक जगह भंडारा चल रहा है,
और लोग खा रहे हैं। हम लोग एक तट के किनारे आ गए, ये जमुना का तट है सामने वाला, तो आप जमुना का तट भी देखते हैं। आपको मैंने गंगा जी घुमा दिया और संगम में हम लोग नहीं उतरे थे क्योंकि वहाँ पुलिस वाले जाने ही नहीं दे रहे थे। और अभी ये रहा जमुना तट, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। और भाई देखो कितनी भीड़ है अभी यहाँ पे, चारों तरफ भीड़ है, आप देख सकते हो भाई। हवा चल रही है, ठंडक भी है हल्की हल्की, लेकिन लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। और जैसे जैसे ये माघ मेला भी और होगा, भीड़ और बढ़ती जाएगी। और प्रशासन भी बहुत टाइट है, तो जब भी आए तो ऐसा कोई काम ना करें जो कि प्रशासन को दिक्कत दे, वरना फिर दिक्कत में आ सकते हैं आप। और ये बच्चों को देखिए, पता नहीं क्या खेल रहे हैं, बट ये बालू है, पूरी बालू देखिए आप ध्यान से। तो अभी तो मेरे सामने दो दो ऊँट हैं और ये छोटे बच्चों को टहलाने के लिए, बड़े लोग भी मज़ा ले सकते हैं, पर पर्सन 50 रुपये है। तभी दीदी या आंटी जो भी बोलो वो जा रहे हैं बैठने अंकल के साथ, तो उसके बाद ऊँट एक का भी वीडियो उनके साथ। और ये लड़का एक खड़ा हुआ है, ये पता नहीं कहाँ से आया भाई, हमारा ही ऊँट है ये। अच्छा हमारा उठे, ये लोग चलाते हैं ना, यही रहते हैं। ये बालू आप देख सकते हो कितनी सारी बालू है भाई, ये लोग बैठ गए हैं। और अब देखिएगा वो उठता कैसे है भाई, इसके उठने में ही तो कमाल है, गिरने का चांस होता है, उठ गया। चलिए कुछ और देखते हैं, बहुत मजा आया यार। अब हम लोग यमुना जी के एकदम करीब आ गए हैं, हम लोग को यहाँ से पानी दिख रहा है। और अभी देखते हैं नहाने वाले लोग अभी भी नहा ही रहे होंगे। ये अनाउंसमेंट आप सुनिएगा, कोई शायद खो गया है उस। हाँ जी गुल्लो, वहाँ देखिए। अच्छा गुल्लू जी, कोई गुल्लू है, गुल्लू खो गए हैं उनको देख। यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ है भाई, वहाँ तो हम लोग की जाने की हिम्मत नहीं है। पूरा एक नया गांव लग गया है जैसे। और यहाँ से देखते हैं बहुत सारे लोग नहाते हुए दिख गए हम लोग को, और बहुत मजा कर रहे हैं ये लोग, देखिए चारों तरफ। वीडियो ये बच्चा है, इसके मम्मी पापा इनको टीका लगा रहे हैं गाल पर और माथे पर, उसमें लिखा है जय श्री राम, राधे लिखा है, राधे राधे। कितने सारे लोग एक साथ नहा रहे हैं भाई, लोगों को ठंडा नहीं लग रहा है क्या? मजा बहुत कर रहे हैं भाई लोग, मेरा भी नहाने का मन है, लेकिन हम लोगों ने कपड़े नहीं लाए हैं वरना नहाता जरूर।
अगर वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अभी और घूमेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए पंडित जी वसूली पर लगे हुए हैं, अभी के इन कन्याओं से कुछ पैसे की डिमांड करेंगे। गंगा जी के पास और ये रही गंगा जी, आप देख सकते हो और बहुत अच्छा लग रहा है भाई। शाम के समय तो एकदम जन्नत हो जाता है यहाँ पे। तो अगर आपको घूमने का समय है तो आप यहाँ पर आएँ लगभग 3 बजे दोपहर में और 5-5:30 तक आराम से घूम सकते हैं। और चलते हैं नदी के किनारे, आपको नदी के किनारे दिखाता हूँ। तो गंगा जी के किनारे का नज़ारा कुछ ऐसा है, लोग नहा रहे हैं और पानी का बहाव देख सकते हैं बहुत तेज़ है भाई, यहाँ से दिख रहा है मुझे। थोड़ा और करीब चलते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चे लोग नहा रहे हैं और बाबा जी लोग भी नहा रहे हैं और वो रहे सफाई वाले, वो नदी साफ करते हैं। और यहाँ पर चिड़िया तो होती हैं, मेरे आप पिछले ब्लॉग में देख चुके हो। और ये लड़का ढूंढ रहा है पैसे, वो भी मैग्नेट से, इसका दिन भर का यही काम है। व्यू देखो भाई, एक नंबर का लग रहा है। हम लोग जा रहे हैं पंछी को दाना खिलाने, राहुल ने लिया है और वो हाथ से तो ना ही खाएगी भाई। आ गए सारे पंछी खाना खाने। भाई लोग की फ्लाइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, ये लोग एक ही जगह पर काफ़ी टाइम तक स्थिर रह लेते हैं।
पक्षियों को तो मैं कई घंटे देख सकता हूँ, शायद पूरे दिन भी यहाँ पर बैठे रहो और ये लोग ऐसे ही आपका मन बहलाते रहेंगे। ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, आप बताइएगा कमेंट में कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा संगम घूम के। मैंने तो आपको यमुना संगम और गंगा जी तीनों के दर्शन कराए हैं, तो अगर मैं दोबारा आता हूँ तो फिर वीडियो बनाऊँगा। आप कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय।